हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वर्कशीट 42, डेट 9 अक्टूबर 2020, क्लास 9th, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसमें पहले हमने इसको वॉल्यूम पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट तो दिया हुआ है कि ये सिलेंडर बनता कैसे है। टेक ए सिलेंड्रिकल बॉक्स, जो सिलेंड्रिकल या बॉक्स देख रहे हो ना बच्चा, देखो बच्चों, जो आप ये बॉक्स देख रहे हो ये बनता कैसे है, तो ये रेक्टेंगुलर शीट से ही बनता है। इसको अगर हम ऐसे गोल गोल ऐसे फोल्ड कर देंगे तो इस शेप में आ जाएगा। वही बात इसमें बोला गया है, इसमें लिखा हुआ है टेक ए सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर। ये एक्टिविटी दिया हुआ है कि इस तरह का ये बनता है, ये शीट्स को अगर फोल्ड कर देंगे तो ये सिलेंडर के शेप में बन जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इससे कि इसी शीट से हमें क्या बताना है कि ये कर्व सरफेस एरिया, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, इससे हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है, देखो ये रेक्टेंगुलर शेप होता है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें देखो ये ब्रेथ जो है, ये जो इसका जो ब्रेथ जो है ये हाइट, तो ये हम एच लिख दिए, और लेंथ है ये पूरा, जब इसे गोल गोल घुमा रहे हो तो ये पूरा है ना इसका, तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये पेरीमीटर के फॉर्म में हो गया, तो इसका हो जाएगा 2πr। तो इतना आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कोई भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एग्जाम में आएगा तो आप फॉर्मूला लिख दो 2πrh, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखो, 2πrh होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें कि ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें हम बस जो इधर का साइड है ना इसी को ऐड करते हैं, इसको ऊपर का और नीचे का ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। अब देखो नीचे हमारा आ गई है, देखो टोटल सरफेस एरिया, अब हम सोचेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें कि देखो ऊपर का है, ऊपर सिलेंडर का होता है ना, सिलेंडर में ऊपर एक गोल जैसा होता है, सर्कल जैसा, और नीचे भी एक सर्कल जैसा होता है ना, तो ये दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो उससे निकलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका हमको पता है कि ये जो पूरा एरिया है इधर सिलेंडर का वो 2πrh होता है कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर 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 वाला जो है, देखो अब देखो इसमें क्या होता है कि ये ऊपर का सर्कल है, एक नीचे सर्कल होता है, तो ऊपर सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का निकालोगे तो πr² होगा, एक πr² जुड़ेगा, नीचे भी एक πr² तो ये भी जुट जाएगा, और ये जो साइड वाला जो पोर्शन है इसका हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, तो ये 2πrh है। ठीक है, तो सबको हम ऐड कर देंगे, तीनों को, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, 2πrh प्लस πr² कट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2πr². ठीक है, यही आया ना। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में हम 2π कॉमन ले लेंगे, देखो 2πr कॉमन ले लिए, दोनों में पाई भी है आर भी है, 2πr कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच गया, एच बच गया, और इसमें बच गया आर, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया 2πrh। तो देखो अगर हमको टोटल सरफेस एरिया का निकालना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ये आप ये फार्मूला ये रख दोगे सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया का आपको बस ये दो चीज़ याद रहेगा ना, तो इस वर्कशीट का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये होता है और इसका ये, बस आपको ये दो ही याद रखना है। ठीक है, टोटल कर्व सरफेस एरिया को हम इतना लिख देंगे अगर आएगा एग्जाम में, तो टोटल सरफेस एरिया को। अच्छा, फिर से एक बार बता देती हूँ, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया जो कि जो ये वाला बीच का जो पार्ट है उसी कर्व सरफेस एरिया कहते हैं सिलेंडर का। ठीक है, अच्छा आप बताओ बच्चों, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है जिसमें कि इसके साथ साथ ऊपर का
और नीचे का ऐड कर लेते हैं तो उसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। हम क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको क्या करना है कि दो फार्मूला आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया का और ये टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉक्स इज ए 15 cm एंड रेडियस 7 cm। तो जिससे इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको ध्यान दो कि क्या है, एक सिलेंडर ऐसे बॉक्स है, एक सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है मान लो, इसका हाइट दे दिया हुआ ये 15 और नीचे अंदर जो रेडियस होता है वह दे दिया है 7। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो इसका क्या फार्मूला होता था, ये फार्मूला होता था, तभी हमको फार्मूला याद हुआ, हम लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फार्मूला तो ये है, लिख दिए। ठीक है, जब हम लिख दिए तो पाई का वैल्यू, बच्चों पाई का वैल्यू हमेशा आप लिखना, तो इसका हमेशा आपको याद रखना चाहिए 22/7, ये पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दे देगा एग्जाम में आपको कि पाई का वैल्यू 3.14 लिखो, मतलब 3.14 लिखो। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में दे दिए तो ये लिखना, अगर नहीं अगर दिया हुआ है कि 3.14 लिखो तो आप 22.7 ही यूज करना। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करें इसको, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले पे तो बैठा रख देना है, तो 2 है तो 2 रह गए, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर हो गया हमारा दिया हुआ है, देखो आर 7 cm, तो 7 cm रख दिए। अच्छा, ये नीचे अंदर आर है तो ये भी हमारा से रख दिए, और एज कितना है 15, तो 15 भी रख दिए। ठीक है, तो ये हमारा 2πrh, इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब बच्चों देखो, जब भी इस तरह का आपको निकालना होगा ना ये सरफेस एरिया, तो ये स्क्वायर लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर लिखे और स्क्वायर लिखना जरूरी है यूनिट में। ठीक है, नंबर मार्क्स कट जाते हैं। अब एग्जांपल 7 देख लेते हैं। देखो एग्जांपल 7 क्या दिया हुआ है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज ए 14 cm, 14 cm दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया। जैसे कर्व सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया, फाइनल डायमीटर आपको डायमीटर निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया हम लिख देंगे कितना दिया हुआ है, 2। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, 2πrh होता है ना, अभी बताई थी ना फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला था 2πrh, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है 88 cm स्क्वायर में दिया हुआ है ना, ये जब भी स्क्वायर में दिया हुआ यूनिट समझ जाओ कि एरिया है दिया हुआ है। तो 2πrh का वैल्यू कितना हुआ, 88, और रेडियस कितना दिया हुआ है हमारा, हाई नहीं दिया हुआ, ये हमको फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर कैसे फाइंड होगा, हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर, और डायमीटर कैसे फाइंड होगा, डायमीटर तभी मिलेगा जब आर आ जाए। ठीक है, तो पहले हम सोचते हैं क्वेश्चन देकर, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ आप लिख लो, देखो दिया हुआ क्या हुआ, हाइट, तो हमने हाइट लिख लिया कि हाइट 14 cm। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कल सिलेंडर हाइट इतना, एरिया दिया हुआ है 84 cm। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है, 88, तो 88 हम ये एरिया हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πrh, और 2π इसका एरिया, इसका कितना दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया का, 88, 2πrh इक्वल टू 88 लिख दिए, और 2 के स्थान पर 2 और पाई के स्थान पर 22/7, और आर तो हमको निकालना ही है, और एच 14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है ना एच, इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं, और हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, तो सबको इधर लेकर के आ जाएंगे, 2 को इधर लेकर आए, 22/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, ऊपर गया और 22 नीचे आ गया, और ये 14 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा कि 7 से कट करेंगे तो 7 2 जा हो जाएगा, फिर अब देखो 22 कितना होगा, 44 2 88, सब कट जाएगा, आ गया 1 cm। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया इसका
रेडियस आ गया 1 cm, 1 cm आपका ये रेडियस आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालना, क्या है परमीटर, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होता है, दोगुना होता है रेडियस का, ठीक है, 2 गुना होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया, ठीक है, डायमीटर हमारा आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। पहले आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो आप ध्यान दो कि इसमें दिया क्या क्या है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है बच्चों। हम देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज इतना मीटर, मतलब कि वेल देखते हो ना, ये वेल भी ऐसी होता है, ये सिलेंडर शेप में होता है, उसके अंदर का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वे 3.5 मीटर दिया हुआ है, और इट्स 10 मीटर डीप, इसका जो हाइट जो है वह कितना है, वे 10 मीटर है, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, अब हम कह रहे हैं कि इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो 2πr(s) फॉर्मूला जानते ही हम, जानते हैं ना, तो उसी अकॉर्डिंग निकाल देंगे। तो देखो पहले बच्चों हमको इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला चाहिए, ये वाला चाहिए ना, इनर हो चाहे आउटर, कुछ भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr(s) ये फार्मूला हम लिख देंगे, ठीक है। अब इस फार्मूला बैठाने के रखने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, 2 तो रखा है, अच्छा और क्या है ये, और क्या है ये बताओ, देखो इसमें क्या हम रखेंगे, ऐसे 2 है तो 2 रख दिए, पाई का वैल्यू 0.92 ओपन से, लेकिन आर कितना होगा, आर तो दिया नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है ना इसमें, इसमें हमको क्या दिया है, इसमें हमको डायमीटर दिया हुआ ही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको इस डायमीटर को ये रेडियस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसको अब हम चेंज कर देते हैं इसको, तो डायमीटर ये दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो रेडियस में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 3.5 में 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया है, इसको देखो ये 3.5 है, इसको 2 से डिवाइड किए तो डेसिमल को जब हर से हटा देंगे तो नीचे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 किससे कटेगा, 5 से, 5 7 जा और 5 4 जा, यानी कि क्या आ गया, 7/4, तो देखो यही 7/4 दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो 7/4 हम लिख दिए, ये 7/4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हाइट 10 मीटर दिया हुआ है, वो 10 मीटर हम लिख दिए, अब बस हमको इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद जब इसको काटे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 7 7 कट गया, तो क्या आ गया, 22 × 5, तब करेंगे तो 10 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या करते हैं हम, इतना मीटर तो हमारा सब आ गया। अब कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ए 40 per m² मतलब 1 मीटर का वो अगर अंदर से ना प्लास्टर किया जाता है तो 40 रुपीज लगता है, ठीक है, तो पूरा कितना कॉस्ट लगेगा, हमको अंदर के एरिया पता चल गया है ना, 110 m² चल गया है ना पता, तो 40 मीटर के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर के लिए 40 रुपीज़ लग रहा है तो 110 m² के लिए कितना लगेगा, तो वही देखना है हमको। देखो लिखेंगे कि इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल इज इतना दिया हुआ, ये आया ना अभी इनर कर्व सरफेस एरिया, तो 40 के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर का 40 है तो 110 m² कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया आंसर इतना, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वे लीजिए इतना आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। अब चलो क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया है ना, सब टेस्ट 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे आप आराम से बना सकते हो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, मतलब देखो 2 कर्व सरफेस एरिया जैसे ही देगा तो समझ जाओ कि 2πr(h) का वैल्यू दिया हुआ है 4.4 m², 2 कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) होता है ना, तो इसका वैल्यू दिया है 4.4 m, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर फिगर बनाओ
उसका रेडियस लिखो या क्या दिया हुआ है लिखो, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, ये 2πr का वैल्यू दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस भी दे दिया 0.7 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि इसका हाइट कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कैसे निकलेगा ये, देखो इसको सॉल्व करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या दे दिया है हमें, इसमें दे दिया है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है ना, ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 44 मीटर दिया हुआ है, और रेडियस कितना दिया हुआ है 0.7 मीटर, ये दिया है ना। क्वेश्चन भी पढ़े थे ना हम लोग, देखो ये क्वेश्चन पढ़े थे ना कि ये दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया और ये रेडियस, अब हमें हाइट निकालना है। तो हाइट निकाल लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ऊपर आप डायग्राम इस तरह का बना लोगे, ठीक है। अब डायग्राम में क्या दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर, और इधर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 2πr की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर के स्थान में वैल्यू रख देंगे, पाई के स्थान पर रख देंगे, 2 के स्थान पर रख देंगे, और एच की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलो वही करते हैं, पता चल गया ना आपको कैसे करना है। तो देखो हम लिख देंगे इस तरह का, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ ए सिलेंडर दिया हुआ है 0.7 मीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए पिलर दिया हुआ है 0.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करें कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर इतना दिया हुआ है, तो किस कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होता है 2πr, तो लिख दिए और 4.4 मीटर स्क्वायर ऐसे लिख दिया हम। अब 2πr का तो 2 लिख दिए ना ये, फिर पाई का वैल्यू भी लिख दिए और आर का वैल्यू भी लिख दिए, और एज तो हमको निकालना है, ठीक है। तो अब एज को हम ऐसे छोड़ देंगे। अब हम क्या किए कि इसको सबको छोड़ करके इसको इधर लेकर आ गए, क्योंकि एज हमको फाइंड करना है ना, तो सबको इधर लेकर आ जाएंगे। तो देखो 4.4 पहले से था, नीचे 7 है ये, तो ऊपर चला गया और 2 नीचे आया, 22 नीचे आया और 0.7 नीचे आया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 7 × 4.4 / 2 × 22 × 0.7। देखो इसको पॉइंट को ऐसे हटा देंगे तो क्या बचे, नीचे आ जाएगा, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाता है, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है, यही होता है ना। तो देखो 10 10 कट गया ये, ठीक है, और 22 2 जा 14 हो गया, ठीक है, 7 7 कट गया, ठीक है, और ये 2 2 भी कट जाएगा, ठीक है। सब कट गया तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ये सब कट गया तो हमारा आंसर आ गया 1 मीटर स्क्वायर। तो हाइट पूछ रहा है कि सिलेंडर का हाइट कितना हुआ, था हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1 मीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको लिखना हो तो आप फिगर बनाओ, देखो क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप सॉल्व कर दो। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बनाने में कोई हार्ड आपको नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। आप फार्मूला सारा अच्छे से लर्न कर लो जो पहले बताई थी मैं, उसके बाद आपको बिल्कुल ही हार्ड नहीं लगेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लो आप। इसमें दिया हुआ है कि द सिलेंड्रिकल पिलर इज ए 50 cm इन डायमीटर, सिलेंड्रिकल पिलर है उसका डायमीटर 50 cm है, ठीक है, और हाइट भी दे दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग पिलर एट द रेट ऑफ ए इथेना, तो कितना ईजी है बताओ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे देखो सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको कैसे होगा ये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये देखो इसमें दिया हुआ है कि 50 मीटर डायमीटर है और हाइट दिया है, तो डायमीटर को रेडियस में चेंज कर देंगे, ठीक है, और आगे हम इसको सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिगर बनाए, ठीक है बच्चों, फिगर बनाए तो कितना हाइट दिया हुआ है हमारा, फिगर बनाए तो ये हाइट दिया हुआ है 3.5 मीटर, और ये सिलेंड्रिकल जो ये है पिलर का, ये जो कर्व सरफेस है ये 50 cm है, ठीक है। तब हम क्या करें इसके लिए, सॉल्व कर देते हैं, ओ सॉरी रेडियस दिया हुआ है, देखो हमें हाइट दे दिया है ये, सॉरी बच्चों हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है
3.5 मीटर, और ये दिया हुआ है ये रेडियस, ठीक है। तो हम इसको निकाल देंगे, फॉर्मूला पे पुट करके रख के बता देंगे, ठीक है। तो हाइट दिया हुआ इतना हुआ, और हमें ये डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर को क्या करेंगे, रेडियस में चेंज करेंगे, 50/2 कर देंगे, ठीक है। 50/2 कर दिए तो 25 आ गया। अब बच्चों एक चीज़ आपको और ध्यान देना होगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो हाइट जो दिया हुआ है वे मीटर में दिया है, और जो रेडियस दिया हुआ है सीएम में दिया हुआ है। तो या तो इसको सीएम में कर दो, चाहे इसको कुछ दोनों, जब देखो अब अगर हाइट दिया हुआ है मीटर में और रेडियस दिया हुआ है सीएम में, ठीक है, तो ऐसे हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। या तो सबको एक ही फॉर्म में करना होता है, या तो मीटर को हम क्या कर देंगे, मीटर को सीएम में, या तो इसको कन्वर्ट कर दो या सीएम को मीटर में, ऐसे कुछ आपको करना होगा, जिससे कि दोनों का जो ये है ना मीटर सेंटीमीटर एक ही फॉर्म में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मीटर में हो और एक सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये मीटर में है तो हम सोचते हैं कि इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, रेडियस को भी कन्वर्ट कर दें। तो रेडियस को पर क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए पहले 50 सीएम, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 सीएम आ गया। तो देखो 25 सीएम, एच हमारा कितना दिया हुआ है, एच हमारा आ गया, एच एच कितना है आपका, देखो एच हमारा दिया हुआ है 33.5 मीटर में दिया हुआ है, और रेडियस हम निकाल लिए हैं कितना, 25 सीएम। तो ये तो नहीं होना चाहिए, दोनों मीटर में ही होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे कि सीएम को मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है, कि सेम सबका उसका हो मीटर में ही हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अगर मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी सीएम को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो के यहाँ पे 2 जीरो के ऊपर ऐसे यहाँ पे बिंदु डाल देंगे, तो 0.25 ऐसे आ जाएगा, तो 0.25 इसका आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब हम निकाल देंगे, अब कर्व सरफेस एरिया पिलर 2π भी दे दिया, आर का वैल्यू हमने 0.25 मीटर हुआ ना, ये हो गया, और एच का वैल्यू 3.5 मीटर। हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो कैसे होगा, देखो 2 है 22/7, 0.25 है तो यानी कि 25/100 हो जाएगा, ठीक है। और 3.5 है मतलब 3.5 है तो पॉइंट हट जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 10 आ जाएगा ना, इसके नीचे 10 और इसके नीचे 100, डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1 जीरो आता है नीचे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सबको डिवाइड करेंगे, 7 5 जब में चल जाएगा ये, 25 4 जब में कट हो जाएगा, ठीक है। अब 5 2 जब में गया, 2 2 कट हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया 22/4, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इतना हमको 5.5 मीटर आ गया पूरा उसका एरिया, जो अभी हम दिखाया ना सिलेंडर, उसका एरिया पूरा आ गया हमारा, और सरफेस एरिया कितना आ गया, 5.5 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट पेंट करने में, एक मीटर को पेंट करने में आपको 12.50 लग रहा है, जब इसे यूनिट हो ना तो समझो कि ये एरिया का लिए कह रहा है, ठीक है। और 12.50 मीटर थे एक मीटर का पेंट करने में, तो 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना होगा, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया पिलर इज इतना रुपीज़, 68 रुपीज़ 70। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये हो गया, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 cm, डायमीटर दिया हुआ है तो इसे हम रेडियस तो निकाल ही लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ मतलब कि हाइट हो गया, ठीक है। इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन ओवर लेबर प्ले ग्राउंड,
ठीक है, प्ले ग्राउंड में जब खेल रहे हैं ना, सिलेंडर को ऐसे ऐसे बार बार घुमा रहे हैं, तो ये 500 कंप्यूटर रिवोल्यूशन ऐसे ऐसे चल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, तो कह रहा है कि ये मीटर स्क्वायर में बताओ कि प्ले ग्राउंड का एरिया कितना होगा। चलो ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरह का आपको फिगर बनेगा, समझे। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो अब ध्यान से, अपने अभी पढ़ा था कि हाइट जो दिया हुआ है 120 cm, ठीक है ना, और इसका का रोलर है तो 120 cm है और ये 84 cm है इसका डायमीटर। ठीक है, अब इसको ना बार बार ऐसे रोल करते हैं, जो इस जमीन है ना, ये जमीन, इसी को ऐसे बार बार ऐसे करते हैं, तो 500 टाइम ऐसे पूरा टाइम लग रहा है इस रोलर को, ऐसे ऐसे बार बार घुमाने से ना ऐसे 500 टाइम लग रहा है पूरे ग्राउंड में। ठीक है, तो इस पूछ रहा है कि कितना हमको एरिया होगा, ग्राउंड में एरिया कितना होगा। तो हम सोचेंगे कि एक बार में कितना घूमा, एक बार में पता चल जाएगा कितना घूमा, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका ना कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है, कि एक बार में इतना ही चलेगा ना, एक बार में कितना चल पाएगा, एक बार में तो दिया हुआ जितना इसका एरिया, एक बार ऐसे राउंड करेंगे तो एक बार में उतना ही चलेगा जितना कि इसका ये एरिया है। तो ठीक है, इसका जितना एरिया है उतना ही चलेगा ना एक बार में, तो एक बार का हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और उसे हम 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा टोटल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो चलो ये सब करते हैं। तो देखो वही करेंगे, कर्व सरफेस से 2πr, तो पहले देखो क्या होता है, कर्व सरफेस सिलेंडर के इतना हो जाएगा 2πr, वो एच दिया हुआ है, और रेडियस निकाल लेंगे हम, अब वैल्यू हमें ये रख दिए। ठीक है, 2π रख दिए, r हमारा दिया हुआ है, ये जो ध्यान रखना कि जब भी डायमीटर दिया हो तो उसे रेडियस में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, और cm में भी दिया हुआ है, तो इस तरह आप जब भी यूनिट लिखना, ये स्क्वायर का तो स्क्वायर लिखना यहाँ पे जरूरी है, स्क्वायर लिखा हुआ है ना तो ये लिखना जरूरी है आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब कह रहा है कि ये तो हो गया एक उसका सिलेंडर का एक पार्ट घूमने का हो गया है ना, अभी हमें कह रहा है कि पूरे 500 का 500 का कितना हुआ, 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, मल्टीप्लाई कर दिए हम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया इतना आंसर। तो बच्चों एक ध्यान देना, आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको मीटर में बताओ, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको आप मीटर में बताओ कि अवेलेबल ऑफ प्ले ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर में एक मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 cm होता है, तो इसको हम मीटर में कर देंगे। देखो देखो 1 मीटर में कितना होता है, 100 cm होता है ना, 100 cm, तो अगर 1 मीटर को करना है cm में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, cm को मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो इस क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि cm में तो मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1584 पे ये 2, ठीक है, इतना है दिया हुआ है, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन नहीं कर दो और देखने, ध्यान देना कि स्क्वायर में दिया हुआ है, जब इस तरह के स्क्वायर में दिया हो ना तो हमें पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में करने से 100 डिवाइड करते हैं, लेकिन जब 2 दिया हुआ है स्क्वायर में तो 2 बार करेंगे, तो एक बार और कर देंगे 100 से। ठीक है, अभी सुनकर जगह ये 1584 m² ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको, बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।